हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेकरी स्टाइल में स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट की रेसिपी। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बिस्किट बने हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमने इसको बनाया है और इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल और कम इन्ग्रीडियंट के साथ आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छन्नी लेंगे, एक स्ट्रेनर लीजिए, उसमें डाल देंगे 1.5 कप मैदा। ये नॉर्मल मैदा है, 1 प्लस 1/2 कप मैदा ले लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो बटर है वो सॉल्टेड बटर, अमूल का सॉल्टेड बटर लिया है, इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून ही सॉल्ट डाला है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून और बढ़ा दीजिएगा, यानी 1/2 टीस्पून सॉल्ट का डालिएगा। ये हमने लिया है 1/2 कप आइसिंग शुगर, और अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो 1/2 कप पाउडर्ड शुगर में 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का मिला के छान लीजिए तो आपकी आइसिंग शुगर बन करके तैयार हो जाएगी। ये मेरी 1/2 कप आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर जब भी आप लीजिए उसको छानिए ज़रूर, वो डबल इन साइज़ हो जाती है। अब हमने इसमें डाल दिया है 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ बटर, ये हमारा सॉल्टेड बटर है। इन दोनों चीज़ों को डाल करके हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। मैंने इसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स किया है। अगर आप हैंड मिक्सर से कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, तो आप इसको 10 मिनट तक इसी तरीके से करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से कर रहे हैं तो 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरीके से मीडियम स्पीड पे आप इसको मिक्स करेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी और कलर अपना चेंज ना कर दे। अब आधा आधा आटा जो हमने मैदा छाना था उसको आधा आधा करके इसमें हम डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स कर रहे हैं तो इसकी जो स्पीड है बिल्कुल लो रखिएगा, और हाथ से भी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी इस पर प्रेशर नहीं लगाना है, आटे की तरह से हमको इसको गूंदना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से केवल हमें सब चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कलौंजी, मंगरेल जो भी आप इसको कहते हो हम, या तो फिर अनियन सीड जो होती है उसको हम ले लेंगे। ये देखिए, तोड़ने पे आपको इस तरीके से जो क्रैक्स दिख रहे हैं, इस तरीके का आटा इसका होना चाहिए। अब हम इसके 2 बॉल में इसको डिवाइड कर लेंगे। बटर पेपर लगाइएगा और बहुत ही हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे, 1/2 इंच की थिकनेस रखते हुए, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा और ऊपर से मंगरेल को हम ड्रिजल कर देंगे और उसके बाद फिर से प्रेशर बिना लगाते हुए हम इसको 1/2 इंच की थिकनेस तक बेल लेंगे। एक कुकी कटर लेंगे, अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं या कटोरी ले सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में इसको आप कट कर लीजिए। ट्रे को आप पहले ग्रीस कर लीजिएगा और उस ग्रीस ट्रे पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखते हुए हम इसको रख देंगे। बनाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए पहले फ्रिज में रखेंगे। जब हम 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे उसी टाइम हम अपना अवन 180 डिग्री पे प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करने के बाद अवन में हम इसको रख देंगे। 180 डिग्री पे हमको इसको बेक करना है। देखिए, हमने 180 डिग्री सेट कर रखा है, प्री हीट हो चुका है 10 मिनट के लिए, और इसको हमने 12 से 15 मिनट के लिए या 15 से 17 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे। दोनों रोड ऑन करेंगे और मिडिल रैक पे अवन में इसको रखेंगे। सेम टेम्परेचर सेम टाइमिंग आप माइक्रोवेव में भी रखेंगे। आप अपने जो आपका माइक्रोवेव का टेम्परेचर होगा या आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की पावर जिस तरह से आती होगी उस तरीके से टाइम डिफरेंस हो सकता है। मेरे बिस्किट्स 15 मिनट में बिल्कुल बन करके तैयार हो गए थे। देखिए कितना अच्छा कलर इनके ऊपर आया है। इसी तरीके के गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इनको बेक करना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं, इनको आप एक वायर रैक पे निकाल करके रख लीजिए और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए सर्व करने से पहले। इनको पहले मत सर्व करिएगा, नहीं तो ये अच्छा टेस्ट नहीं देंगे। जब अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाएं, तो आप इन्हें स्टोर करके अपने किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं और इसको अपने चाय या कॉफ़ी के साथ इंजॉय करिए। बिल्कुल क्रिस्पी और बेकरी स्टाइल में ये तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, श्योर एंड सर्टेन ये रेसिपी 100% प्रूफ टेस्टेड एंड प्रूव्ड है। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।